प्लूरल इफ्यूजन। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल क्या होता है? चेस्ट कैविटी और लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है वो प्लूरल होता है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ये प्लूरल स्पेस होता है। और ये इसका फंक्शन क्या होता है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, स्लिपरी होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ। एसेंशियली ये इंटरस्टिशियल फ्लूड ही होता है, क्योंकि सारी प्रोटीन जो प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है वो इंटरस्टिशियल फ्लूड में भी प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों जो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होती है ये चेस्ट होता है, पैराइटल प्लूरा होता है, ये विस्टल प्लूरा होता है और ये लंग होता है। और जो ये है ये कैपिलरीज होती है, ये फिल करती है फ्लूड को। तो नॉर्मल साइकिल जो ये है चलती रहती है फ्लूड की, और फिर ये फ्लूड जो होता है ये बाहर जाता है लिम्फेटिक वेसल के थ्रू। सो नॉर्मली कैपिलरी फिल करता है फ्लूड को। सो प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है कि एक्सेस फ्लूड जो होता है प्लूरल स्पेस में डिपॉजिट हो जाना। ये क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लूड प्रोड्यूस करेगा, उसके भी रीज़न होते हैं। पहले रीज़न होता है ट्रांसुडेटिव, सेकंड होता है एक्जुडेशन। ये जो दो रीज़न होते हैं ट्रांसुडेटिव और एक्जुडेशन, इनकी वजह से क्या होता है कैपिलरी जो होती है ये फिल करती है फ्लूड एक्सिस में। दूसरा रीज़न ये होगा जो प्लूरल स्पेस होता है ये फिल्ड होता है ये फ्लूड से, तो ये आगे जाती है लिम्फेटिक वेसल में। अगर यहीं पे लिम्फेटिक वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो ड्रेनेज नहीं करने देगा, उसकी वजह से एक्सेस फ्लूड हो जाएगा यहाँ पे। एक रीज़न ये भी होगा, ये होता है लिम्फेटिक इफ्यूजन। अब हम पहले रीज़न पढ़ेंगे ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। इसका मतलब होता है कि ज़्यादा फ्लूड लीव कर रहा है कैपिलरीज से। इसके भी दो रीज़न होंगे, एक तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, दूसरा ऑन्केटिक प्रेशर जो होगा वो ब्लड वेसल्स में डिक्रीज होगा। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है इसको पुशिंग फोर्स भी बोलते हैं। पुशिंग फोर्स ये होती है जो ब्लड लगाती है वॉल्स पे, जैसे ये देखने को मिल रहा है। इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द लंग कैपिलरी कॉज हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ द वीक पंप टू द ब्लड एंड बैक्स ऑफ पल्मोनरी वेसल्स। उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्रेशर होगा और फोर्सफुली फ्लूड जो होगा फिल होगा प्लूरल स्पेस में। सेकेंड रीजन इज द ऑन्केटिक प्रेशर। ऑन्केटिक प्रेशर में क्या होता है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है वो कैपिलरी वॉल को जो क्रॉस नहीं कर पाती है, तो इसमें जो होगी प्रोटीन जो होती है वो ज़्यादा अमाउंट में बाहर मिलती है कैपिलरी से, और इसकी वजह से क्या होगा ऑस्मोसिस के थ्रू फ्लूड जो होगा बाहर जाना स्टार्ट कर देगा कैपिलरी से। तो ये दोनों केसेस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं एडिमा में भी। तो कोज जो होते हैं लो ऑन्केटिक प्रेशर की वो होते हैं सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इन दोनों के दोनों केस में क्या होता है कि प्रोटीन जो होती है कम बनती है। ये तो नेफ्रोटिक की वजह से कम प्रोटीन रिलीज हुई है, ये सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से भी ये होता है। अगर प्रोटीन ही कम सिंथेसिस होगी ब्लड में तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड जब ऊपर जाएगा कैपिलरी से तो वहाँ पे कम कंसंट्रेशन होने की वजह से वो ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर चले जाएगा। और यही रीज़न होता है सेकेंड ऑन्केटिक प्रेशर, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन कोज होता है। सो एक्जुडिटी में क्या होता है, कैपिलरी वॉल्स जो होती है वो लीकी हो जाती है। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूड जो होगा कैपिलरीज के अंदर वो प्लूरल स्पेस में फिल्ड हो जाता है। जैसे ये देखने को मिलेगा कैपिलरीज जो होगी लीकी हो गई है, इसकी वजह से फ्लूड जो होगा वो लीकी हो जाएगा। लिम्फेटिक प्लूरल इफ्यूजन, ये इसको बोलते हैं साइलोथोरेक्स। थोरेसिक डक्ट इज डिस्टर्ब। इसमें क्या हो रहा है, जैसे लिम्फेटिक वेसल जो होती है वो आगे जाके थोरेसिक डक्ट में कनेक्ट होती है। सो थोरेसिक डक्ट डिस्टर्बेड हो रही है, किसकी वजह से, सर्जरी में हो गया प्रॉब्लम या ट्यूमर वगैरह हो गया है थोरेसिक डक्ट में, तो उसकी वजह से लिम्फेटिक वेसल प्रॉपरली काम नहीं करेगा और फ्लूड डिपोजिशन होगा प्लूरल स्पेस में। नाउ सिम्टम्स, सिम्टम डिपेंड करते हैं साइज पे। लार्जर इफ्यूजन में जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वॉर्स लाइक लाइंग कंडीशन, जब लेटते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। स्मॉल इफ्यूजन में अंडरगो नोटिस। डायग्नोसिस में हमें देखने को मिलेगा कि ब्रीथ साउंड जो होगी डिक्रीज हो जाती है। डलनेस टू परक्यूजन, डिक्रीज टेक्टाइल फॉर्मेटीज। इट इज द वाइब्रेशन फेल्ट ऑन द पेशेंट चेस्ट ड्यूरिंग द लो फ्रीक्वेंसी वोकलाइजेशन। नॉर्मल चेस्ट वॉल वाइब्रेट्स व्हेन स्पीकिंग। इफ्यूजन फ्यूअर वाइब्रेशंस। एक्सरे में देखने को मिलेगा जो एरिएशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ट्रैकल डेविएशन हो जाएगा। तो जो ट्रैकल नॉर्मली एंटर करता था
उसका डेविएशन जो होगा वो थोड़ा चेंजेस हो जाएगा इसकी वजह से. इन एक्सरे फ्लूइड डिस्प्लेज हियर इन स्टैंडिंग पोजीशन इन द एरिया ऑफ द कॉस्टोफ्रेनिक एंगल एंड मूव अलोंग द चेस्ट वोली ड्यूरिंग द लाइंग कंडीशन. तो होता क्या है कि पेशेंट जब स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल पे जो होगा फ्लूइड डिस्प्लेस कर देगा एयर को और वो कुछ इस तरह से दिखता है पूरा एक जगह पे ये डिपॉजिट हो जाता है. लेकिन जब लाइंग कंडीशन होती है तो क्या होगा ये पूरा डिस्पर्स हो जाएगा इसका एरिया बढ़ जाएगा तो ये और ज़्यादा क्रोनिक लगेगा तो लाइंग कंडीशन में और ज़्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है. इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो करते हैं वो थोरोकोसेंटेसिस करते हैं. थोरोकोसेंटेसिस में क्या होता है कि इंजेक्टिंग नीडल से वहाँ का फ्लूड निकाला जाता है तो उससे डायग्नोस और ट्रीटमेंट दोनों कर सकते हैं. ट्रीटमेंट होता है इसका थोरेकोसेंटेसिस. इसमें रिमूव करेंगे फ्लूड को और ट्रीट करते हैं डिसीज को. सो इस एक्सरे में हम देख सकते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन पूरी तरह से फैल चुका है, बाउंड्री से पूरा क्रोनिक हो चुका है. अनदर पिक हमारे पास है, इसमें भी फ्लूड जो है पूरी तरह से एक्युमुलेट हो चुका है. अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना.